शाम से देवबंद गए हुए थे कि अचानक ही उनकी कार पर हमलावरों ने गोलियां चलाई, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को जेड प्लस की सुरक्षा के लिए महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम ज्ञापन दिया गया। साथ ही बताया कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आज ज्ञापन देंगे। आज जो हमारी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, हमने जो ज्ञापन दिया है आज, वो कल हमला हुआ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी संस्था भीम आर्मी, उनकी सुरक्षा को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। उनको जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि वो हर जगह समस्या में जाते हैं, उनसे दुश्मनी मानते, ईर्ष्या करते हैं। आज प्रदेश में अस्पताल सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं, हर जगह हत्याएँ हो रही हैं, हर जगह झगड़े हो रहे हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरक्षा को देखते हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जेड प्लस सुरक्षा के लिए हम लोग मांग करते हैं, और सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा मुहैया कराए। मांगें ये रखी गई हैं कि एक तो भाई के हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए और भाई की जेड प्लस की सुरक्षा की जाए। और ये जो हमारी मांग है, इसके साथ साथ मेरा एक सजेशन हो रहा है इन लोगों के लिए कि ये हमला इन्होंने दूसरी और तीसरी बार किया है। तो पहली बात तो ये कि अस्त्र से जीता है न शस्त्र से जीता है, अस्त्र से जीता है न शस्त्र से जीता है। इन्होंने आज तक जो कुछ जीता है वो षड्यंत्र से जीता है, क्योंकि इनकी औकात नहीं इतनी कि ये सामने से आकर के सामना करके लड़े। ये भी जो बार किया गया है, वो भाई की गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा करके और पीछे से गोली चलाई गई है, अगर दम थी तो सामने से बार करते। एक बात और बता दूं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी बहुत दम रखती है। चंद्रशेखर भाई वो आग है,